खूप सारी प्रतीक्षा आमच्या प्रेक्षकांना करावी लागते, परंतु महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट लाईव्ह यांच्या वतीने मी स्वतः दिलगिरी व्यक्त करतो आहे. तांत्रिक अडचणी ज्या आतापर्यंत येत आहेत त्या अडचणी जो कार्यक्रम आज या ठिकाणी आपण आयोजित केलाय, तर अरविंद राणा याचं या ठिकाणी निश्चितपणे आगमन झालंय. या चर्चा सत्रामध्ये आपण त्याला पाहू शकाल. एक चांगला कार्यक्रम, एक चांगला उपक्रम आहे. अरविंद, सबसे पहले तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या? हाँ, गुड इवनिंग अर्शद जी. हाँ, आपकी आवाज बराबर आ रही है मुझे. अरविंद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट लाइव इनके तरफ से आयोजित एक छोटा सा प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, लॉकडाउन चर्चा सत्र. इस चर्चा सत्र में हमने कई सारे खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है. हर एक दिन में हर एक नए नए खिलाड़ी से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे. आज का ये चर्चा सत्र है जो दूसरा चर्चा सत्र है जिसमें हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं. आपका शुरू से जो अब तक पूरा इस टेनिस क्रिकेट विश्व में जिस तरीके से आप में चढ़ाव उतार देखे, जो कुछ भी आपने आज तक स्ट्रगल किया, उस बारे में हम सबको जानकारी देना चाहेंगे. तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में आके? सबसे पहले तो मैं MTC लाइव को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे मैं मेरे मतलब मैंने जो जो स्ट्रगलिंग फेस किया है मेरे क्रिकेट पीरियड में, वो सब शेयर करने के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ. सबसे पहली बात तो आप एक कामयाब टेनिस क्रिकेटर है इस पूरे नवी मुंबई में. कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन अगर अगर देखा जाए तो उन सभी में आप भी शामिल हो. अरविंद, एक टेनिस क्रिकेटर के पीछे बहुत सारी कठिन परिस्थिति होती है. पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारा स्ट्रगल होता है. आपके शुरुआती दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे इस पहली क्वेश्चन में. हाँ, तो जैसे सब टेनिस क्रिकेटर लोग का ऐसे होता है, तो मैंने भी अपना क्रिकेट बॉक्स टाइप अंड्रम से स्टार्ट किया था. तो जहाँ पे मुझे मेरे कैप्टन जो सचिन धुमाल है उनके वजह से मैं अंड्रम खेलने के लिए बाहर स्टार्ट किया. तो एक्चुअल में मुझे टूर्नामेंट्स क्या होता है वो मुझे मालूम पड़ा. फिर धीरे धीरे ओवरम में हमने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पे हमारा विकेट और हमारे सामने जो एक बड़ा मतलब एक अच्छा विकेट था जहाँ पे सब लेजेंड्स मतलब ग्रामीण क्रिकेट के सब लेजेंड्स, ओपन के लेजेंड्स सब प्रैक्टिस करते हैं. जैसे दिलीप गोंजी सर हो गए, तानाजी काका सर हो गए, नीलकंठ सर हो गए, KT सर, तो मतलब वो सब वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और हम अपना साइड में प्रैक्टिस करते थे. तो वहाँ से उनको देख के सब सीखने को मिला, तो वहाँ से मैंने अपना टेनिस क्रिकेट का स्टार्ट किया. एक्चुअली अंडरआर्म क्रिकेट से सभी क्रिकेटर्स जो है वो अपना करियर जो है अंडरआर्म क्रिकेट से शुरू कर चुके हैं. आगे चल के ओवरआर्म क्रिकेट में आकर फिर अपनी एक अलग जगह बनाना. हम देख रहे हैं अरविंद, फिलहाल जो दुनिया में पूरी तरीके से अभी जो वर्ल्ड में चालू है, पूरी तरीके से जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस बारे में सबसे पहले क्या संदेश देना चाहोगे पूरे अपने फैन फॉलोवर्स और अपने दर्शकों को? मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए, क्योंकि अभी हम कोरोना में ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते. बाहर घूमना मतलब हम अपने लिए खुद के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो जितना अच्छा होगा हम घर पर रहेंगे उतना स्टे फिट एट होम ऐसा रहेगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा सबसे. उसके बाद अगर देखा जाए अरविंद, तो शुरुआती दौर जो आपका था एक्चुअली अंडरआर्म क्रिकेट से निकलने के बाद, जब जिस टाइम पे हम ओवरआर्म क्रिकेट में शामिल हुए, तो उस टाइम का दौर जो था वो कैसा था और कब आपने ओवरआर्म क्रिकेट खेलना शुरू किया? मैंने ओवरआर्म क्रिकेट 2007 या 8 से स्टार्ट किया था, और पहला चांस मुझे हमारे नेहरूल कॉलोनी की टीम में ही मिला था. तो वहाँ पे वो टीम पे हम मुझे जो लीड करते थे हमारी टीम के वो दिलीप गोंजी सर थे. उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड्स में मेरा बैटिंग ऑर्डर कुछ 4 और 5 या 6 नंबर पे आता था. हार्डली 5 ओवर के मैच में आपको उतना बैटिंग करने मिलता नहीं था. तो मेरा स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट 6-7 मैच में मैं 4 या 5 बार डक में आउट हुआ, 0 पे आउट हुआ. तो मैं सर के पास गया, दिलीप गोंजी सर के पास, सर मेरा ऐसा ऐसा है, मैं नीचे बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं जम रहा है.
तो या तो मुझे ऊपर भेजो और फिर परफॉर्मेंस देख लो कैसा क्या होता है। तो उन्होंने बोला हाँ तेरा बात भी सही है, तुझे नीचे जा रहा है तो तेरे को उतने बॉल नहीं मिल रहे। तो सर ने मुझे स्टार्ट किया ऊपर भेजने का, तो वैसा रिजल्ट उनको मिलने लगा तो मेरा स्टार्ट हो गया एक। तो जैसे कि आपने कहा नेहरुल कॉलोनी में से अपने अपने पूरे करियर की शुरुआत की, हाँ उसके बाद आगे चल के आपको ऐसा लग रहा है कोई नेहरुल कॉलोनी के टीम में जब आप खेल रहे थे उस टाइम पे कोई ऐसी मजेदार बातें होगी, कुछ तो ऐसी आपके यादगार यादें होगी, उस यादों के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि उतने पीछे तक का मेरा कमेंट्री का जो सफर था वो नहीं था, जिस टाइम पे हम लोग शायद स्कूल में ही थे, तो मैं जानना चाहूंगा हाँ उस टाइम का जो दौर था उस टीम में आपको कैसा लग रहा था एक्चुअली। वो टीम में देखा जाएगा तो दो बहुत बड़े प्लेयर थे, एक संतोष साटिलकर सर थे और एक दिलीप, मतलब टीम को बहुत अच्छे से लीड करते थे, बट उनके सामने चलता था। तो इतना कुछ ऐसा मस्ती मजाक हमारा हुआ नहीं कि मैच के टाइम में भी, मतलब हम लोग एकदम सीरियस ही रहते थे और मैच जैसे जीतना है वैसे खेलते थे। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो 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 सुन, अभी सुन, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ हाँ अभी 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 आवाज आ रही है। जी सुनो, एक्चुअली जिस टाइम पे आपने नेहरुल कॉलोनी टीम में आपने खेलना शुरू किया, काफी कठिनाइयों से भरा वो दौर था, उस जिस टाइम पे आपने शायद मैं भी खेलना स्टार्ट किया रहेगा, उस टाइम पे हम ये कमेंट्री फील्ड में थे भी नहीं, तो उस नेहरुल टीम के बारे में जो यादें हैं वो यादों को हम सुनना पसंद करेंगे। सुन नेहरुल टीम में एक्चुअली देखा गया तो हमारे यहाँ पे कुछ सेक्टर्स थे वहाँ के मिक्स प्लेयर थे, और साथ में खेल के हम लोग इतने एक साथ घुल मिल गए थे साथ में खेल खेल के। तो और मस्ती मजाक इतना कुछ होता नहीं था वो टाइम पे, वो टाइम पे सिर्फ हम लोग अपना गेम पे फोकस करते थे और स्ट्रेटेजी बना के गेम कैसे जीतना है वो उतना ही करते थे। जी बराबर। तो उसके बाद जो आपका सफर शुरू हुआ टेनिस क्रिकेट विश्व में, आज तक आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, उसके बाद अगर अगर आपने कुछ किया होगा तो टेनिस क्रिकेट विश्व में आपकी आपकी खुद की अपनी टीम खड़ी की, जो अभी फिलहाल नवी मुंबई में डेनिस 11 नाम से जानी जाती है, उस डेनिस 11 टीम के पीछे का राज क्या है? उसका ऐसा है कि नेहरुल कॉलोनी और हमारे प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स को ज़्यादा हो गए थे तो सबको चांस मिल नहीं रहा था कि टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो इसी कारण हमारे कैप्टन सचिन धुमाले, उन्होंने बोला कि अब इतने प्लेयर हो गए किसको चांस नहीं मिल रहा, अपने प्लेयर भी बाहर बैठ रहे हैं, तो इससे अच्छा हम लोग अपना खुद का टीम स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइम पे हमने अपना टीम स्टार्ट किया था फ्रेंड्स 11 करके, और हमारे टीम में तब हमारा एक प्लेयर था लेफ्ट हैंड बैट्समैन डेनिस करके। तो वो किसी कारण के वजह से उनका कुछ इंसिडेंट में डेथ हो गया, और फिर हमने सोचा कि हमारे टीम का प्लेयर है तो हम अपना प्लेयर के लिए कुछ करने के लिए उनके नाम से टीम स्टार्ट करते हैं। तो उस तरह हमने डेनिस 11 टीम स्टार्ट किया।
टेनिस 11 टीम को खड़े करने के पीछे बहुत सारे क्रिकेटर्स का हाथ है। एक्चुअली देखा जाए तो सचिन धुमाल जो आपके साथ हरदम आपके परछाई की तरह खड़े रहते हैं, अमित है, इन सभी ने बहुत सारी मदद आपको इस टीम को खड़ा करने में की है। आपके टीम मेट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? टीम में जैसा आपने बोला डेनिस 11 का, तो मैं सबसे पहले अमित वाडकर का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि ले वो बहुत पुराने प्लेयर है जो नेहरू कॉलोनी में भी खेलते थे मेरे साथ। जितना मदद उन्होंने किया, मतलब अमित वाडकर ने किया, उतना मदद मेरे को किसने नहीं किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 2006 से 2008 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने 2008 से 2018 तक मैंने अपनी एक बैट नहीं खरीदी है। पूरा सीजन अभी तक मैं बराबर, अमित वाडकर के बैट से ही खेल रहा हूँ। जो हिसाब से अमित वाडकर बैट बनाते हैं, वो हिसाब से मुझे लगता नहीं कोई नई उम्र में बैट बनाते रहे, कि उनको इतना इंटरेस्ट है बैट के ऊपर। तो और मैचेस में सबसे पहले आने वाले वही रहते हैं, और उनका जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स मैच, मतलब बहुत वो अलग लेवल है। तो एग्री, मेरे को तो मैच जीतना बहुत ये लगता है, तो उनका साथ मिलता है तो हम लोग मैच जीतते ही है। एक्चुअली सुनू बोलना चाहता हूँ कि आवाज जो है आपकी थोड़ी सी कट कट के आ रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ शायद आप थोड़ा सा नेटवर्क कम है आपके यहाँ पर। जी हेलो, अब आ रही है आवाज? आगे अब क्लियर आवाज आ रही है पूरी तरीके से। एक काफी अच्छा दौर रहा आपका अमित वाडकर, जो अभी फिलहाल नवी मुंबई पुलिस टेनिस क्रिकेट टीम के जो है वो फिलहाल कैप्टन है, और उसी के साथ साथ तुम्हारे टीम को भी काफी अच्छी तरीके से लीड करते हैं। अगर हाँ सर, देखा जाए तो आपका सभी के साथ जो अभी तक का जो ट्रैवलिंग पूरी तरीके से जो अब तक चढ़ाव उतार देखे हैं वो कैसा रहा है इस डेनिस 11 के साथ? स्टार्टिंग पीरियड तो मेरे लिए बहुत एकदम ये था कि, मतलब जैसा लग बोलते हैं ना कि क्रिकेट इतना इजी नहीं मिलता सबको। मतलब आपको इतना फेमस होना है, मतलब ये कोई खाने की बात नहीं है। क्रिकेट में आप घुसे और फटाक से फेमस हो गए, तुमको वो सब देखना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में जैसा मैंने आपको बोला था कि मैंने 6-7 मैच में 4 या 5 मैच में 0 पे आउट हुआ था। तो अगर आप वैसा परफॉर्मेंस करें तो कोई भी टीम आपको उतना चांस देगी नहीं। बट जैसे जैसे अपना प्रैक्टिस और अपने मेहनत से मैंने करके वो प्लेटफॉर्म हासिल किया है, और आज वो डेनिस 11 में आप उतना वैसा परफॉर्मेंस कर भी रहा हो। बराबर, डेनिस क्रिकेट आपकी जो टीम है उस टीम में आपकी खुद की एक अलग जगह है, आपका खुद का एक अलग रुतबा है। उसके अलावा अगर आप में देखा जाए तो बहुत सारा टैलेंट पूरी तरीके से भरा है, जिस तरीके से आपकी बल्लेबाजी अब तक रही है, पूरी तरीके से जो आपकी बॉलिंग रही है उसके बलबूते पर आपने अरविंद आज तक अपनी टेनिस क्रिकेट विश्व में एक अलग जगह बनाई है। जैसे कि अगर डेनिस 11 में से निकलने के बाद आपने जो ओपन क्रिकेट शुरू किया, मतलब अभी डेनिस 11 में आप बने हो फिर भी, क्योंकि जो अपनी ग्राउंड लेवल है वो एक्चुअली कभी भी क्रिकेटर को भूल के चलेगा नहीं। तो जो डेनिस 11 छोड़ के अभी कभी कभार हम ओपन टेनिस क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं, तो उस ओपन टेनिस क्रिकेट में जाते समय जो कुछ आपको स्ट्रगल हुआ उस स्ट्रगल के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने शुरुआत की थी बंडिया 11 टीम से, जो मुंबई से टीम काफी बेहतरीन मशहूर टीम थी, उस टीम में आपने अपनी जगह बनाई। उस जगह बनाने के पीछे का जो पूरा हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि हम लोग यहाँ मेरे टीम में सचिन काले करके एक प्लेयर है, वो मुझे और अमित वाडकर को माहौल गांव में एक मैच खेलने के लिए लेके गया था। तो वहाँ पे हमारा मैच लगा था बंडिया बॉयज के साथ, जिसमें भरत लोअर सर, ओके असलम शेख सर, जावेद शेख सर, ये सब वो टाइप बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे वो उसमें। और वहाँ जी पे पहले मैच में मैंने कुछ एक सिक्स मार के मैं आउट हो गया था, और फिर मैच हमारा उनके साथ लगा। तो मैंने वो मैच में उनके अगेंस्ट 24 बॉल्स पे कुछ 73 रन किया। तो वहाँ से मुझे संतोष बंट सर है जो बंडा बॉयज के है, उन्होंने बोला कि हमारी टीम में आके खेलना है, तो मतलब खेल सकते हैं तो आके खेलो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। तो फिर वैसे मैंने उनका टीम ज्वाइन किया खेलने के लिए। बराबर, बंडा 11 टीम में शामिल होने के बाद
आपने फिर से एक बार अपने खेल का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छी तरीके से बनाए रखा, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई। हालांकि अगर देखा जाए तो उसके बाद आपका जो पूरी तरीके से जो आप चढ़ते गए पूरा अच्छा क्रिकेट खेलते गए, उसके बाद आपको और भी टीम में शामिल होने की कई सारे ऑफर्स आई, लेकिन डेनिस इलेवन टीम जो आपने अभी खड़ी की, जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो उस टीम को, उस टीम की कुछ यादें आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके जो भी फैंस है, जो भी आपके अंडर में खेलते हैं, आपके जो हमारे जो पूरे दर्शक है वो इस बारे में जरूर सुनना चाहेंगे कि आप डेनिस क्रिकेट टीम का जो पूरे तरीके से सफर है वो अब तक का कैसा रहा है। डेनिस क्रिकेट टीम का आपको मैं ऐसे बोलूँ, वो टीम ऐसी है कि हम एक फैमिली मेंबर जैसे, कि हम लोग एक दूसरे को किधर भी बैकअप करके सपोर्ट करके खड़ा किया हुआ एक टीम है वो, कि वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है। जहाँ पे मैं अपने किधर लैक करता हूँ तो वहाँ पे मेरी जगह कोई और सपोर्ट करके उसको खड़ा करता है। तो ऐसा वो एक फैमिली चेन जैसा है कि आज ये नहीं चला तो कल वो चलेगा, वो नहीं तो ये, ऐसा मतलब करके। तो वैसे हमारी टीम वो डेनिस इलेवन बनी है वो। कभी कभार ऐसा लगा है सोनू कि पूरी ये सफर करते समय कोई भी प्लेयर तुम्हारे पूरे जबान से बाहर होता हो, या फिर कोई भी प्लेयर जो हो कभी बात नहीं मान रहा हो, या तो फिर उसका बिहेवियर कोई थोड़ा सा ठीक नहीं लगा आपको? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरी टीम में कि जो मेरा बात नहीं मानता है। एक्चुअली मेरा जो सीनियर है, जो अमित दाड़कर है, मैं उनकी बात मानता हूँ। ऑलमोस्ट बाकी सब लोग मेरी बात मानते हैं। जो फील्ड पे ये लेना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम लोग दोनों डिसाइड करते हैं। और वो टाइम पे सब लोग एग्री हो ही जाते हैं हमारे डिसीजन से। तो ऐसा कोई जी कंप्लेंट नहीं है मेरे को मेरी बराबर। टीम कि अब तक तो अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन आगे शुरू जिस टाइम पे अगर आप क्रिकेट छोड़ना चाहोगे, जिस टाइम पे आप क्रिकेट पे, अभी तो फिलहाल तो ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है, बट जब आपको लगेगा कि अभी क्रिकेट हमें स्टॉप करना चाहिए, उस टाइम पे ये डेनिस क्रिकेट टीम की जो जिम्मेदारी है वो किसपे सौंपना चाहोगे? ऐसा कुछ अभी है हमारे कि बहुत सारे जो है। ये सब हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जैसे अज्जू नावले हो गया, फिर सिद्धेश राठौड़ हो गया, राहुल हो गया, फिर मोंटी है, तेजस है। तो ये सब अभी यंगस्टर्स है, अभी ये सब जिम्मेदारी उनके कंधों पे जाएगा कि आगे टीम को कैसे बढ़ाना है। अभी हमारा जितना टाइम है हम उतना टाइम अपनी टीम को दे रहे हैं। आज भी अमित वाडकर ऑलमोस्ट 38-40 के एज के आसपास कुछ तो है, बट आज भी वो अपना जी हंड्रेड बराबर। परसेंट देते हैं, आज भी 100% देते हैं। और उनका बॉडी स्ट्रक्चर फिजिक इतना अच्छा है कि वो मुझे लगता है 20-24 साल के बच्चे को भी, मतलब जो है उससे अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे। जी बंड्या 11 तक का आपका सफर जो था काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, उसके बाद आपका जो खेल था वो काफी अच्छी तरीके से आपने मेंटेन रखा, और उसी के चलते आपको फिर से एक बार मौका मिला उमर 11 टीम में खेलने के लिए। तो उमर 11 टीम जो अपने डेनिस नेहरू अपने सफर से डेनिस चालू रखे, बंडे 11 से होकर आपको पूरा चांस मिला उमर 11 में खेलने का, वो सफर कैसा था, वो सफर आपने कैसे तय किया? उमर 11 में खेलना मतलब एक खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो उमर 11 में आपको मालूम है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर है कि वहाँ पे आपका बनाना एक नामुमकिन के जैसा ही है। अभी उस्मान पटेल, मुन्ना शेख, उमर खान, वहाँ पे वो टीम में ज्वाइन होकर खेलना एक बड़ी बात है। तो मेरा परफॉर्मेंस उतने लेवल का मैंने कर लिया था कि मैं उनके बीच में एक जगह बना सकता हूँ अपनी। तो वो हिसाब से मैंने अपना परफॉर्मेंस दिखा के, निकुंज भाई करके है जो उमर के साथ कनेक्टेड है, उन्होंने मुझे बोल के उमर के हिसाब से मेरा उमर 11 का सफर चालू हो गया। सुनो, आपकी आवाज फिर से एक बार थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, हेलो, आपकी आवाज थोड़ी से ब्रेक होके आ रही है फिर से एक बार। आवाज आया अभी? आवाज तो आ रही है हेलो, लेकिन थोड़ी से ब्रेक होके आ रही है। ओके। तो उमर 11 तक का जो फासला था वो काफी अच्छी तरीके से आपने पूरा किया,
उमर 11 में अपनी एक खुद की जगह बनाई। आज भी उमर 11 की जब जब कहीं पर एंट्री रहती है, आप हक से उस टीम में खेलते हो। इसके अलावा आप दोनों टीम कैसे मैनेज करते हो, डेनिस 11 में खेल के फिर उमर 11, अगर कहीं पर एक ही बार एंट्री हो या फिर एक ही दिन दोनों तरफ मैच हो तो कहाँ पर खेलना ज्यादा पसंद करते हो? मैं तो पहला प्रेफरेंस अपने टीम को देता हूँ डेनिस इलेवन, क्योंकि वो टीम है जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वो टीम है जिसने मुझे क्रिकेट में इतना नाम दिया है। तो मैं पहला प्रेफरेंस डेनिस इलेवन को देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा जो भी टीम है उसको प्रेफरेंस देता हूँ। तो बंडिया 11 टीम की कुछ यादें आपकी जो है वो जरूर जानना चाहेगी कि बंडिया 11 टीम में जो अपनी जगह आपने बनाई थी, तो उस टीम की कुछ यादें आपके माध्यम से जरूर सुनना चाहेंगे। जो कुछ भी यादें आपसे जुड़ी है, जो कुछ क्रिकेट उस टाइम का होता था, उस क्रिकेट के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। वहाँ पे कहता था सर कि वहाँ पे सब बड़े बड़े ही प्लेयर थे, जैसे भरत लोहार सर, जावेद सर, फिर असलम सर, फिर नरेश चावला सर, मतलब वो बड़े बड़े प्लेयर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उनके साथ खेलना मतलब एक अलग ही लेवल था। तो उनके साथ खेल खेल के मैंने बहुत मतलब बहुत तरक्की की है, मतलब जितना मुझे ग्रामीण क्रिकेट से एक्सपीरियंस नहीं मिला मतलब अच्छा, उतना उतना मुझे उनके टीम के साथ खेल के एक्सपीरियंस अच्छा मिला, जिससे मैं आगे और अच्छा परफॉर्मेंस करके एक अच्छी टीम ज्वाइन कर सका। और एक जी, उमर 11 में उसके बाद अपनी जगह आपने बना ली। सुनो, अगर थोड़ा सा पीछे अगर चले जाए हम, तो आपको ऐसा कभी याद आ रहा है कि आपको पहला मैन ऑफ द मैच कब मिला था, कौन से टीम में मिला था? पहला मैन ऑफ द मैच तो मुझे मैंने स्टार्ट नेहरू कॉलोनी से किया था, तो पहला मैन ऑफ द मैच मेरे को नेहरू कॉलोनी के थ्रू ही मिला था। शायद धारावे या तुरुबा में कहाँ तो मिला था, मुझे एक्चुअली प्रॉपर याद नहीं है। तो वहाँ पे मुझे पहला मैन ऑफ द मैच मिला था। जी, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मैन ऑफ द मैच आपको मिला था वो पुरानी यादें, एक्चुअली जो पुरानी यादें, जो शुरू शुरू से आपका सफर है, वो सफर अगर देखा जाए तो पहले मैन ऑफ द मैच में आपको क्या मिला था? हाँ, वो टाइम पे सर इतना कुछ होता नहीं था, तो मेरे को एक ट्रॉफी मिली थी, शायद वो धारावे के ग्राउंड पे ही मिली थी, एक ट्रॉफी थी वो, और मैंने तो सीरीज का ट्रॉफी मिला था मुझे। मैन ऑफ द सीरीज, मतलब हाँ आपने जिस टाइम पे ओरम क्रिकेट शुरू किया उस टाइम पे मैन ऑफ द मैच छोड़कर मैन ऑफ द सीरीज सीधा मिला था, लेकिन मैन ऑफ द मैच उस टाइम पे शायद कम मिलते थे हाँ क्योंकि मैन ऑफ द मैच पे ज्यादा कोई फोकस करता नहीं था, तो फोकस नहीं करता था वो टाइम पे। जाहिर हाँ उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मैन ऑफ द सीरीज के रेस में ही सब लोग अपना खेल का प्रदर्शन दिखाते थे। हाँ, मैंने तो सीरीज के लिए आपको फर्स्ट मैच से लेके फाइनल मैच तक आपको पूरा परफॉर्मेंस काउंट करते हैं, तो इसलिए आपको जी बराबर, उतना कंसिस्टेंट रह के उतना आपको ये सब करना पड़ता है परफॉर्मेंस के, आपको आपका नाम लास्ट फाइनल में सिलेक्ट हो गया है, तो आप मैन ऑफ द सीरीज के लिए मतलब एक दावेदार हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए सोनू तो काफी बड़ा सफर है, अभी भी हमें कई बहुत सारी बातें इस चर्चा सत्र में जरूर करनी है। सोनू, अगर देखा जाए तो आज तक का आपका सबसे एक्सपेंसिव जो गिफ्ट है वो क्या मिला आपको क्रिकेट से? मुझे तो अभी फिलहाल नवसाती दीवा क्रिकेट मंडल 2018-19 का टूर्नामेंट था, वहाँ पे बाइक मिली है, फिर जुड़गांव में एलईडी टीवी मिला है, और कूलर वीलर ये सब मतलब मिल चुके हैं अभी मुझे। मतलब अब तक का जो आपका सबसे एक्सपेंसिव जो गिफ्ट है, आपको जो प्राइज मिला है वो बाइक, यानी कि जो नीलेश हाँ दादा की टूर्नामेंट हुई थी उस टूर्नामेंट में शायद आपको बाइक मिली थी। हाँ हाँ वो टूर्नामेंट में बाइक मिली। काफी काफी अच्छा सफर रहा है अब तक का आपका। जानना चाहेंगे उमर 11 टीम जो आप इस टाइम पे जब आप ओपन खेल रहे हो, ओपन टेनिस क्रिकेट में खेल रहे हो, तो उमर 11 टीम का सफर कैसा चल रहा है और उमर 11 टीम के साथ पूरी तरीके से आपके संबंध जो रिलेशन हो रहे हैं वो कैसे मेंटेन कर चुके हैं? उमर 11 के साथ एक अलग ही मतलब एक अलग ही लेवल का क्रिकेट है उनका क्योंकि उसमें उस्मान उनका पटेल जैसा एक बड़ा बैट्समैन भी उसमें शामिल है, उनके साथ खेलना मतलब एक खुद को प्राउड फील करने जैसी बात है। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि उनके लेवल का क्रिकेट खेल के उनके टीम में जगह बनाना ही है, मतलब क्योंकि अभी
आपके सामने उस्मान पटेल, फिर मुन्ना शेख, उमर खान, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, फिर वहाँ पे आपको अपना बैटिंग दिखा के वहाँ पे जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। ना और ना ना इनके, हाँ, इनका ऐसा है कि ये दोनों बैटिंग करते हैं ना तो हमें बैटिंग का मौका मिलता ही नहीं है, बहुत कम मैच में कि हमको बैटिंग का मौका मिलता है। वही मैं पूछना चाहता था कि अगर उमर उमर खान जी हो, उस्मान पटेल है, मुन्ना शेख, इसके बावजूद भी आपको उसने उस टीम में पूरी तरीके से चांस लाए, क्योंकि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो काफी अलग है। आपको इसमें नंबर कब लगता है, यानी कि जब भी आप उस टीम के साथ खेलते हो, उस टीम में अगर खेलते समय आपको नंबर कब मिलता है, वन डाउन टू डाउन, क्योंकि ऑलमोस्ट उस्मान पटेल एज अ स्ट्राइकर ये बैटिंग का जिम्मेदारी। इनके साथ बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी तो बहुत रेयरली है, इसके लिए कैसा होता है कि या तो उस्मान पटेल या मुन्ना शेख कोई मैच मिस कर दे उमर इलेवन का, तब चांस मिल जाता है इनके साथ ओपनिंग करने का, नहीं तो हमारा नंबर 3-4 के बाद ही आता है उमर इलेवन में। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ सर, अभी आ रहे हैं। जी, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो उमर इलेवन जो अपने टीम ज्वाइन की, तब आपको कैसा लग रहा था, क्या क्या महसूस हो रहा था कि ये टीम में हमने अपनी जगह बना ली है, तो कैसा लग रहा था? एक्चुअली वो टीम में, मतलब जो जो भी जैसे भी बड़ी बड़ी टीम है बॉम्बे की, आप जैसे देख लो विनर्स हो गया, उमर इलेवन हो गया, एसपी हो गया, ये सब बड़ी बड़ी टीम है, वहाँ का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल है। अभी वहाँ के क्रिकेट, वो लोग जैसे हम लोग खेलते हैं वैसा ग्रामीण क्रिकेट, वैसा क्रिकेट नहीं है उनका। उनका एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का है। उनके साथ खेलना मतलब आपको एक दो बॉल भी डॉट हो गया तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि उन्होंने कुछ आपके ऊपर भरोसा रख के आपको अंदर भेजा है। अगर आप एक दो बॉल डॉट करते हैं तो आपसे अच्छा बैट्समैन पीछे रुका हुआ है, तो वो प्रेशर उस पर आता है। तो उतना आपको कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप जो काम के लिए आपको भेजा आप अपना काम पूरा करें वहाँ पे। बराबर। अगर देखा जाए थोड़ा सा पीछे चलते सुनू, डेनिस इलेवन टीम जो आपने अभी शुरू, मतलब इस टीम के साथ आपके कई सारी यादें जुड़ी है, उस टीम के साथ प्रैक्टिस कैसे मेंटेन करते हो? आपने बात अच्छी बोली प्रैक्टिस की, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस जिनको मैं मतलब दिन एक तेजस, कार्तिक, दीपक सिंह और अमित वाडकर, ये 5-6 जन हैं कि उनको कभी भी आप बोलो ना कि अरे आज प्रैक्टिस करने गए, चल प्रैक्टिस कर दे, तो वो लोग कहीं पे भी, उनका टाइम रहेगा ना, वो आके मेरे को दिन में नहीं बोल के 50-60 बॉल तो डाल देते कि तू बैटिंग कर ले भाई, तेरा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट तू कर ले। तो मेरे लिए वो ये 5-6 जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं कभी भूल नहीं सकता कि इनकी वजह से मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। बराबर है। टीम में अगर अगर देखा जाए सुनू, तो टीम में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसके पास से रखते हो कि शायद ये प्लेयर जो है, मेरे टीम डेनिस इलेवन में से अगर मैं करूँ किस जो प्लेयर पे मैं ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, एक अमित वाडकर है जो जिसपे मैं ओवर में 2-3 ओवर पे मैं इतना भरोसा करता हूँ कि अगर उसको 2-3 ओवर मिल गया तो वो एटलीस्ट 12 बॉल पे 4 या 5 6 तो आपको मार के दे देगा अगर उसने 12 बॉल खेले तो। वो उस पर मैं अपने टीम का, मेरे बाद पूरा दामोदर मैं अमित वाडकर के ऊपर ही डाल सकता हूँ। बराबर
तो जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से संभाल ली जाती है अमित वाडकर के तरफ से। अब तक जो पूरा सफर है वो अमित वाडकर ने आपका बहुत इजी कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे यंगस्टर लोग आज नवी मुंबई में अजय नवले की तरफ काफी रुख करते हैं। अजय नवले का अपना एक खुद का फैन फॉलोवर अलग है। वो खिलाड़ी आज तक जिस तरीके से खेलता आया है, अजय नवले के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने टीम का एक देखा जाए तो वो पूरी तरीके से हार्ड बन चुका है तुम्हारे टीम का। अजय नवले एक बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर का एक बहुत अच्छा फील्डर भी है। अभी उसको सिर्फ एक ही सीखने की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है उसको, और जो उसके शॉट्स के रेंज है वो थोड़े बढ़ाने हैं उसको। वो उसको प्रैक्टिस ही, मैं तो मेन बात बोलूँ, उसको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस जितना करेगा उतना वो उसका गेम और डेवलप है। उसका गेम अभी तक इतना ओवरऑल के लिए डेवलप नहीं हुआ है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करके, अगर वो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे अगर वो आके अगर मेरे साथ हमारी टीम के साथ प्रैक्टिस करेगा रेगुलर, तो मैं बोल सकता हूँ अगले 1 हाथ 2 साल में आप अजय नवले को भी एक अलग लेवल पे देखोगे। जरूर। मेरी सचिन के साथ बातचीत हुई थी कुछ दिनों पहले, शायद थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी। उसने मुझे तुम्हारे जो संडे आईपीएल है उस बारे में बताया था, लेकिन मुझे पूरी तरीके से विस्तार में नहीं बताया था। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि संडे आईपीएल आखिर ये है क्या, संडे आईपीएल? एक्चुअली कैसा होता था कि जब स्टार्टिंग पीरियड में जब ओवरऑल स्टार्ट नहीं किया था हमने खेलने के लिए, तो जस्ट ऐसे ही स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने ऐसा 2 टीम्स डिवाइड किए थे। एक में हम लोग सब, मेरे साथ जो थे वो लोग, और सचिन धुमाल में एक अलग, हमारे डेनिस 11 के ही ऐसे प्लेयर डिवाइड करके लिए थे। तो हाँ, हम वो हिसाब से अलग अलग टीम के आपस में ही मैच खेलते थे, और वो मैच तो इतना, मतलब वो टूर्नामेंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट मैच, ऐसे ऐसे हिसाब से हम लोग मैच खेलते थे। ये हर संडे में होता है मैच? हाँ, ये अभी तो फिलहाल बंद हो गया क्योंकि अभी टूर्नामेंट चालू हो गए तो मोस्टली प्लेयर सीधे उधर हो जाते हैं। तो नहीं हाँ, तो पहले जब था तो ये हर संडे होता था, हर संडे, एवरी संडे। और एक जंग, मतलब वॉर बोलते हैं ना, अब वैसा सोच सकते हो वैसा होता था वो। तो इसमें मतलब एक्चुअली होता क्या था, मतलब ऐसा जो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे जिस तरीके से पता चला था, बहुत सारी मौज मजा उसमें रहती है, कुछ नोकझोंक रहते हैं, कई सारे उसमें झगड़े भी कई बार हो चुके हैं तुम्हारे तो अपने अपने में, तो वो सब मतलब इसके पीछे का पूरा राज क्या है कि अगर तुम एक ही झगड़े, टीम में खेल रहे हो तो फिर भी इतना सारा वॉर, जैसे कि लग रहा हो दोनों दो टीमों में कुछ युद्ध हो रहा। झगड़े तो नहीं सर बोल सकते क्योंकि वो उतने ही टाइम पे ग्राउंड पे, जो वो टाइम जितना टाइम हम लोग खेलते उतने टाइम के लिए, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। तो हम जब जीतते तो हम उनको चिढ़ाते, जब वो जीतते हम हमको चिढ़ाते, तो वो टाइम पे उतने ही बात जो होता है वो सिर्फ वो खेलने के टाइम तक ही रहता है। बट उसके बाद मतलब एक फैमिली मेंबर जैसे रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद अरविंद चलते हम रेनी क्रिकेट की तरफ। रेनी क्रिकेट का जो आज तक का आपका सफर रहा है, काफी अच्छी तरीके से आपने निभाया है, काफी अच्छी तरीके का खेल जो आज तक आपने दिखाया। रेनी सीजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा आप तक? रेनी सीजन का अगर आपने बात किया तो रेनी सीजन में भी परफॉर्मेंस होता ही अच्छा होता है मेरा। मुंबई का मुझे एक परफॉर्मेंस याद है, जो मुंबई में रेनी सीजन की जो मैच हुई थी उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपका हुआ था। हाँ, तो मैं वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो सर है विनायक सर, उन्होंने अपने नवी मुंबई के लिए, अपने प्लेयर्स लोग के लिए, कि नवी मुंबई के प्लेयर भी जैसे बाहर ओपन के प्लेयर नज़र आते तो हमारे नवी मुंबई के प्लेयर भी नज़र आने चाहिए। तो विनायक सर ने वो स्टार्ट किया था कि अपने नवी मुंबई के प्लेयर हो जाए, तो हमने स्टार्ट भी किया और हमारी टीम अच्छी भी बनी थी। हम विक्रोलियंस में, विक्रोली में हम लोग मैच खेलने गए थे और वहाँ पे हमने फर्स्ट प्राइज मारा, जहाँ पे सब बड़ी बड़ी टीम थी, उमर 11, विनर्स, एसपी, ये सब टीम थी। और वो टाइम पे नई मुंबई में बहुत अच्छे प्लेयर थे, जो अगर क्रिकेट कंटिन्यू करते तो आज नई मुंबई की टीम भी बहुत अच्छी बन जाती थी। तो वो हमने फाइनली मारा था, वो मेरे लिए इतनी अच्छी गर्व की बात थी कि मतलब हमारा नई मुंबई का टीम भी, और वो टाइम पे मुझे सीरीज भी मिला था, और सीरीज से मुझे पूछा भी था कि आप नेक्स्ट ईयर बराबर। अगर खेलना चाहोगे तो आप किसके टीम में खेलोगे, तो मैंने बोला मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपने नई मुंबई टीम को ही दूंगा। तो ऐसा था वो। हाँ, हाँ,
होगा क्योंकि अपने खुद की डब्ल्यूएमबीए की टीम अपने लोकल एरिया की टीम है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको ही देना चाहिए, उनको ही पहले उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो बात बराबर है। उमर 11 टीम में जब आप शामिल हुए तो शुरुआती दौर कैसा था आपका? इस उमर 11 टीम में अपनी जगह तो आपने बना ली, लेकिन उसके बाद आपको जो सफर करना पड़ा वो सफर कैसा था आपका? अब बोला जाएगा तो कि उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन है। अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा तो आप उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर है जो आपकी जगह रिप्लेस करके आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो ऐसा बराबर बहुत मैचेस बराबर भी हुआ है जहाँ पे मेरे को चांस भी नहीं मिला, मैं बाहर बैठ के वो मैच देखा। तो इट्स डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसे परफॉर्म करते। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस करा तो श्योर आपको ऊपर या अच्छे पोजिशन पे बैटिंग मिलेगी। तो वैसा था कि वहाँ पे एक अलग लेवल का प्रेशर था और अलग लेवल का गेम है वहाँ पे। उमर 11 में काफी अच्छे प्रदर्शन के बाद तुमने अपनी वरद 11 नवी मुंबई, वरद लॉजिस्टिक 11 नवी मुंबई, इस टीम में अपनी जगह बना ली। जो विनायक अपाराज जी है उनकी टीम, जो उन लोग वो हमेशा पैक करते इस टीम को, वही उस इस टीम के पैक करे, उस टीम में अपनी आपने जगह कैसे बनाई? क्योंकि उमर एक्चुअली वो 11 एक ऐसी स्टैंडर्ड टीम है जो पूरी तरीके से इस टेनिस क्रिकेट को मेंटेन करके रखी है, तो उस में होते हुए भी आपको वरद 11 में खेलने का चांस कैसे मिला? बिकॉज विनायक सर अपने नवी मुंबई के टैलेंट्स को चांस देना चाहते थे, इसलिए मेरे को नवी मुंबई की टीम में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कि खेलूँ मैं। और हमारे टीम में बहुत अच्छे प्लेयर भी थे, रोहित म्हात्रे, रवि म्हात्रे, योगेश भगत, गंगा इंगोले, गणेश कारंडे, बाबू कामले, राहुल शेट्टी, विशाल झा। मतलब टीम इतनी अच्छी हो गई थी कि हम लोग थोड़ा एक दो साल कंटिन्यू साथ में खेलते थे ना। सच बोल रहा हूँ कि एक दो साल में हमारा नई उम्र का टीम भी एक अच्छे लेवल पे होके हम बहुत अच्छे, बट किसी कारण की वजह से हमारे वो कॉम्बिनेशन बैठा नहीं और प्लेयर लोग ने भी साथ दिया नहीं, तो टीम का उतना सक्सेस हुआ नहीं। बराबर, बट एक्चुअली मुझे एक या, मैच याद आ रहा है शायद से रत्नागिरी में तुम्हारी जो टूर्नामेंट थी, रत्नागिरी में जो आपकी टीम शायद गई थी हाँ वरद 11, उसमें आपकी कई सारी यादें हैं। सेमीफाइनल का मैच मुझे अभी भी याद है, वो उस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन आपका हुआ था, उसके बावजूद वो मैच तुमने हारा था। वो मैच के बारे में जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि वो मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? एक्चुअली हमारा जो विक्लोन्स में रबर टूर्नामेंट था, जो टीम वहाँ पे थी वही टीम विनायक सर ने एज इट इज टीम सिर्फ वहाँ उसमें से रामपाल सर और दत्ता सर वो नहीं थे, बाकी पूरा एज इट इज टीम हमारी पूरी रत्नागिरी गई थी खेलने के लिए। बराबर तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया खेलने के लिए। पहला मैच मैं पूरा 5 ओवर बैटिंग किया मैंने, 5 6 ओवर शायद 6 ओवर बैटिंग किया और एक ही सिक्स मारा। और वो टाइम पे रोहित म्हात्रे बहुत फॉर्म में थे, फिर ओपनिंग पे मैं और बराबर रोहित म्हात्रे जाते थे। तो पहला मैच उन्होंने बैटिंग किया, रवि म्हात्रे इन्होंने बैटिंग किया, बॉलिंग के हम पहला मैच क्लियर हो गए। तो दूसरा मैच हमारा इनके साथ केतन भोयर करावे उनका टीम था उनके साथ लगा था। तो वहाँ पे मैंने कुछ 41 42 रन स्कोर किया था रोहित म्हात्रे ने, तो हमने दोनों ने मिलकर कुछ 5 या 6 ओवर में 78 रन कुछ किया था। फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल का मैच आया, क्वार्टर फाइनल के मैच में हम लोग को वहाँ की रत्नागिरी की टीम लगी, वहाँ पे भी मैंने और रोहित म्हात्रे ने मतलब हमारे वो पूरे सीजन में मतलब वो टूर्नामेंट में हम दोनों ने इतना अच्छा बैटिंग किया था कि बाकी लोगों को बैटिंग के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बात आई फिर सेमीफाइनल की, और शायद मैं वो बराबर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन मेरा ही था क्योंकि मैंने 2 मैच में 40+ के ऊपर रन बनाया था और एक मुझे मैच में मुझे मुझे लग कुछ रहा है कुछ सोनू, उस टाइम पे आप उस मैच में शायद मैन ऑफ द सीरीज के रेस में थे शायद। हाँ, ऑलमोस्ट तो था ही क्योंकि ले सेमीफाइनल का मैच अगर हम लोग हारते नहीं थे तो शायद वो मैन ऑफ द सीरीज वहाँ की भी मेरी ओपन की फर्स्ट बाइक हो सकती थी वो भी। जरूर, क्योंकि वो जो दुख था क्योंकि सेमीफाइनल तक काफी अच्छे अच्छे टीमों को हराकर आना और एंड मोमेंट पर थोड़े से खराब प्रदर्शन की वजह से अपनी पूरी जो मेहनत है वो पूरी फेल जा चुकी। ऐसे आपको कभी लग रहा था कि ये मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ओपन क्रिकेट में खेल के आपके लिए एक बाइक आने वाली थी, तो उस सेमीफाइनल में ऐसा क्या हुआ था कि जो मैच जो आपके हाथ से चली गई? एक्चुअली वो मैच में ऐसा हुआ था कि हमको स्टार्ट ही नहीं मिला। पहले ओवर में मैंने एक बाउंड्री मार के मैं आउट हो गया,
और वो मैच के स्टार्ट से पहले मेरे को माजिद भाई ने बोला था कि भाई ये मैच इंपॉर्टेंट है, ये मैच खेल ले प्लीज़, ये मैच खेलेगा तो अपने लिए भी अच्छा और तेरे लिए भी अच्छा है। तो मैं बोला हाँ भाई, मैं पूरा दूंगा, अपना परफॉर्मेंस पूरा करूंगा मैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैंने एक बाउंड्री मार के दूसरा बाउंड्री में मारने चक्कर में मैं कैच आउट हो गया। तो वो मैच में मेरा तो बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं हुआ, रोहित मात्रे का भी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मतलब हमारे पूरे टीम का वो मैच में कुछ परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं। हम लोगों ने 6 ओवर में कुछ 35 या 45 ऐसे कुछ था, उसके आसपास रन किया था, तो तो मैच हार गए हम लोग। वो मैच अगर आप जीत जाते तो शायद मे भी ऐसा सभी को लग रहा था, हम लोग भी मैच में बने थे, एक्चुअली मैच देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैच आपकी टीम जीत जाती है तो मे भी फाइनल वो डेफिनेटली आपकी थी। हाँ एक्चुअली वो लेवल का परफॉर्मेंस हमारा क्योंकि उस मैच में जिस तरीके हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठ गया था कि मतलब हम वो टाइम पे वो पीरियड में हमने शायद किसी को भी हरा सकते थे, क्योंकि रोहित मात्रे का बैट इतना अच्छा चल रहा था, मेरा बैट इतना अच्छा चल रहा था, हम लोग के बाद रवि मात्रे, माजिद भाई, मतलब हमारा वो टाइम पे बैटिंग सबकी अच्छी हो रही, तो शायद वो टाइम पे अगर हम लोग फाइनल में भी जाते तो शायद फाइनल भी जीत जाते थे। जी बराबर। उसके बाद सोनू जानना चाहूंगा, अगर आपने जिस तरीके से शुरुआत की थी, शुरुआती दौर तो काफी बुरा गुजरा आपके लिए, क्योंकि जो तो शुरू में आपने जो ये किया था, अभी हमारे जो दर्शक है उनकी तरफ से कुछ सवाल आ रहे कि आप ऑन फील्ड जब मैदान में रहते हो तो आपका एग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों सर? ये दर्शकों का सवाल है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है एक्चुअली बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कि हाँ सोनू जरूर कभी कभी एग्रेसिव होता है, लेकिन इतना नहीं कि किसी को हर्ट करे, ऐसा क्यों होता है सोनू अक्सर? कोई के मैच नहीं सर, ऑलमोस्ट सब मैच में आप मेरे को देखोगे मैं एग्रेसिव रहता ही हूँ। मेरे को गेम के टाइम पर मेरे को मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग की टीम अगर बाय चांस हारे भी तो हम लोग की टीम ऐसे हारे कि लगना चाहिए कि हम लोग फाइट करके आ रहे, ऐसा ना हो कि वन साइड मैच हो के हम लोग। बराबर तो मेरे को वो लेवल पे मेरा गुस्सा इतना रहता है कि मेरे को मेरी टीम से भी उतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जितना मैं करता हूँ भाई एटलीस्ट उसका तुम लोग 50% या 70-80% तो दे दो भाई, बिकॉज कोई अपनी एंट्री कर रहा है वो भाई कुछ अपना पैसा लगा रहा है, तो एक्चुअली वो आना चाहिए ना आपके पास कि हाँ ये बंदे लोग के ऊपर मैंने कुछ तो किया है बराबर इन्वेस्ट, है, तो ये बंदे लोग मेरे बराबर को वैसा नहीं हार रहे कि जैसा मेरे को लगे वन साइड हारे, तो थोड़ा मेहनत करके वैसा करके करो कि भाई तुम जीतो तो भी लगे हाँ जीता है भाई ऐसा कुछ, तो इसलिए वो एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है मेरा बराबर। मैच में। बट अगर देखा जाए तो आप इस एग्रेशन के बारे में अगर देखा जाए तो टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके सभी प्लेयर जो अभी है वो आपको देख रहे हैं इस इंस्टाग्राम लाइव पे, इस एग्रेशन के बारे में वो जानना चाहते हैं और आगे चल के ये क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या राज है और उसमें से तुम क्या मैसेज देना चाहते हो सभी टीम प्लेयर्स को? मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे एग्रेशन तो प्लीज़ तुम मत लो, एग्रेशन मत लो, चाहिए तो सिर्फ मेरा गेम जो है जो भी जितना भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ उससे कुछ सीख लो, फील्डिंग्स हो गया, बैटिंग हो गया, मतलब वो दो चीज़ से जो सीखना आप उसमें से सीखे, एग्रेशन मेरा पार्ट है वो मेरे को ही हैंडल करना, आप उसमें से कुछ सीख नहीं सकते, तो आप वो उसमें जाओ नहीं तो अच्छी बात है, आप सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग में से अगर आपको कुछ सीखना है तो वो कुछ सीख सकते हैं। बराबर। कई सारे मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स आपके नाम पर है, उसमें कभी ऐसा लगा है कि यार ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैच कुछ भी करके हमें जीतनी है ताकि इससे हमारे पूरे टीम का जो है वो एक अलग रुतबा तैयार होगा, जैसे कि एक अच्छा प्लेस उस मैच में तैयार हो सकता है, ऐसी कोई टूर्नामेंट आपको याद आ रही है, ऐसे कोई मैच? ऐसे तो एक तो आपसे मैंने शेयर कर दी वो रत्नागिरी वाली जहाँ पे हम सेमीफाइनल पे बाहर हुए, वो मैच भी बहुत इम्पोर्टेंट था, वो मैच भी जीतना था, माहौल गांव की मैच एक और अच्छी हुई थी जो आपने बताई थी। वो भी मैच थी वो मैच, बट उसके बाद हम लोग शायद इनसे विक्रोलियन से हार गए थे वो मैच में, उसके बाद एक बॉल पे कुछ 4 रन ओके चाहिए थे और ऋषि वैद्य सर ने बाउंड्री मार दिया था, तो हम लोग मैच हार गए थे। तो ये थोड़ी मोमेंट्स है कि जहाँ बराबर पे मुझे लगता है कि हम लोग जीतना चाहिए, बट अभी क्रिकेट है तो हार जीत लगी रहती है, तो वो थोड़ा हार गए और थोड़ा
अफसोस भी हो गया। बहुत सारे जगह पर सुनो आप खेल चुके हो, नवी मुंबई, मुंबई, रायगढ़, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, रत्नागिरी तक आप आपका सफर तय कर चुके हो। सबसे ज्यादा एक जो पोषक क्लाइमेट होता है वो किस एरिया में आपको पाया जाता है, किस एरिया में आपको ज्यादा अच्छे से खेलना पसंद करते हैं? देखा जाएगा तो अपने नई मुंबई ही बेस्ट है मैं बोलूँ तो, जहाँ पे आपको ग्राउंड भी अच्छे मिलते हैं, फुल सर्कल ग्राउंड मिलते हैं जहाँ पे। और अगर रत्नागिरी हो गया, गोवा हो गया, वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे भी आप खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट जो क्लाइमेट की आपको आदत यहाँ की है तो वो यहाँ की आपको रहेगी, तो वहाँ पे जाके सेटल होना मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, तो नई मुंबई ही बेस्ट है मैं तो बोलूँ। अब तक के सफर में सोनू आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा रह चुका है? मेरे लिए एक वाशी का एक ग्राउंड है, फिर कोपर खेमे का एक ग्राउंड है, धारावी का जो पुराना ग्राउंड था वो बहुत अच्छा था, फिर सारसोला का एक फुल ग्राउंड ग्राउंड है। सर्कल में। हाँ, और सारसोला का एक ग्राउंड अच्छा है, तुक्षत का एक ग्राउंड अच्छा है, तुर्बे का एक ग्राउंड अच्छा है। ज्यादातर कौन से ग्राउंड में खेलना पसंद करते हो, हाफ ग्राउंड या फुल ग्राउंड? मैं तो मोस्टली फुल ग्राउंड में ही खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा चांस मिलते हैं कि आप रिवर्स भी खेल सकते हो। हाँ, बंद ग्राउंड में तो आपका रिवर्स का कुछ मतलब ही नहीं है, अगर सर्कल फुल ग्राउंड रहेगा तो आप रिवर्स रिवर्स भी खेल सकते हो। बराबर। उमर 11, बंडा 11, वरद 11, ऐसे कई सारी नामचीन टीमों में आपने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन ऐसा कभी लगा है कि इस प्रदर्शन के चलते तुम्हें भी आगे चल के दुबई जैसे, कतार जैसे देशों में, यानी कि गल्फ कंट्री है, वहां पर जाके खेलना चाहिए, कोई मौका अब तक आया था क्या? मौका तो अभी तक आया नहीं है मुझे, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि हर साल की मैं परफॉर्मेंस ऐसा करूँ कि मेरे को चांस मिल जाए। लास्ट ईयर रतन बुआ के टाइम पे ऐसा हुआ था, एक जन ने बोला था मुझे कि तेरे को ये साल दुबई का होगा, क्योंकि वो टाइम पे मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था रतन बुआ पे, वो टाइम पे शायद बराबर। बोला था कि हाँ तुमको चांस मिलेगा इस साल दुबई खेलने का, बट मेरा इतना बैड लग था कि वो टाइम पे वो TNPL कैंसिल हो गया रतन बुआ की बात आपने छेड़ी है, रतन बुआ में आपकी उम्र 11 टीम की एंट्री थी, आर्या 11 के नाम से, शायद आर्या 11 जी। आप ही के उमर 11 के जो मैनेजर है सर, उन्होंने वो टीम वहां पर पैक की थी, वहां पर भी आपके खेल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तो रतन बुआ, इस पूरे प्रतियोगिता यानी कि टूर्नामेंट के बारे में जो आपका सफर रहा है वो जानना चाहूंगा। रतन बुआ में उमर 11 की एंट्री तो नहीं हुई थी, एक्चुअली वो एंट्री थी किसी और की, तो हमको बुलाया था खेलने के लिए कि उमर 11 के प्लेयर चाहिए, तो मैं और अशरफ भाई हमारे दो जन हम लोग गए थे खेलने के लिए, और विजय ओके। करके एक पालघर का प्लेयर है वो थे, तो उनका साइड था शायद वो, तो हमने पहला हमारी फील्डिंग है तो उसमें थॉमस डाइस ने इतना अच्छा बैटिंग किया, उसने कुछ 17 बॉल या कितने बॉल पे तो 50 किया, हम लोगों को 5 ओवर में 70+ कुछ तो चेस आया था, तो बराबर, वो मैच वो शायद टाइम तुम जीते थे। जीते थे मैच। हाँ, तो वो मैच में मैंने और कितना 17 बॉल पे कुछ 41-42 रन किया था विजय के साथ, तो विजय ने भी अच्छा बैटिंग किया था, तो वो टाइम पे हमने उनका वो 5 ओवर में वो ग्राउंड पे 70-70 तो मतलब बड़ा ही टारगेट था, तो हमने इजीली चेस कर लिया था। थॉमस डायस जैसा बड़ा बैट्समैन तुम्हारे सामने होते हुए भी तुमने काफी अच्छी तरीके से बैटिंग अपने टीम के लिए की थी। उस टाइम पे ऐसा शायद लग रहा था कि ये जो परफॉर्मेंस है ये तुम्हारे लिए आगे चल के काम आ सकता है। हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि वो ही टाइम था जहाँ पे मुझे मिला था ऑफर कि दुबई जाने का, तो ऐसे जितना क्योंकि बड़ा वहां से अगर टूर्नामेंट। देखा जाए सोनू तो बहुत, बोलो बोलो। हाँ, जितना बड़ा टूर्नामेंट आप परफॉर्मेंस करोगे उतना बड़ा आपका नाम होगा, उतना बड़ा लेवल में आपको खेलने मिलेगा। बराबर। एक वो ही टूर्नामेंट ऐसी है जहां से कई सारे प्लेयर्स के जो भवितव्य है, जो फ्यूचर है, वहां से बनता है। वहां से अगर एक आध भी परफॉर्मेंस अच्छा निकले तो दुबई कतार के लिए चांस बनता है। हर एक प्लेयर की इच्छा होती है कि
चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे रतन बुआ ट्रॉफी कुछ भी करके खेलनी है। आपका सपना कैसे साकार हुआ रतन बुआ खेलने का? रतन बुआ भी मेरे को पहला चांस बंड्या बॉयज सर मतलब संतोष बंड ने ही दिया था। उनके टीम में जैसे ज्वाइन हुआ था उनके टीम से ही मुझे पहला रतन बुआ खेलने के लिए मिला था। तो वो टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं पाया था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उमर 11 ज्वाइन किया, फिर वो निकुंज भाई से बात हुआ तो फिर उनके साथ मुझे चांस मिला सेकेंड टाइम रतन बुआ खेलने का। तो वो हिसाब से मेरा वैसा परफॉर्मेंस हुआ। बराबर है। चलते नवी मुंबई की तरफ फिर से एक बार, क्योंकि नवी मुंबई में आपकी जो शुरुआत हुई थी पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व की, जो आज तक का सफर आपका रहा है, तो अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में एज अ बैट्समैन तुम किसको ज्यादा ज्यादा पसंद करते हो, एज अ देखा बैट्समैन, जाएगा एज अ बॉलर और एक फील्डर? बैट्समैन में देखा जाएगा तो नई उम्र में मैं सच्ची बोल रहा हूँ बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है जो अगर मेहनत करे तो आप उनको नेक्स्ट कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी, उस्मान पटेल के जैसा देख सकते हो अगर उन्होंने। तो उसमें से मैं आपको एक यंगस्टर का नाम बता सकता हूँ, एक धीरज भोयर, नमित है, ऋषि गाटे है, हमारे टीम का सिद्धेश है। उनके अगर उन्होंने प्रैक्टिस किया कि हाँ हम लोगों को वो लेवल पे खेलना है, वो लेवल पे अगर उन्होंने करके खेला भी बाहर, उनका गेम तो अच्छा है नो डाउट सर, बट थोड़ा और मेहनत करके बाहर निकल के खेलेंगे सर, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में आपको अच्छे प्लेयर एकदम बड़े बड़े लेवल के प्लेयर वो सब दिख सकते हैं। बाकी सब देखा जाएगा तो भूषण पाटिल हो एक्चुअली गया, गैरो हो गया, रोहित मात्रे, माजिद भाई, राहुल शेट्टी, गणेश कारंडे, ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो नई उम्र में अच्छे अच्छे खेल सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली प्रैक्टिस मैन मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना तुम करोगे उतना प्लेयर परफेक्ट होते जाएगा। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो यंगस्टर काफी, आपके टीम अगर जो वर्ल्ड 11 के बारे में अगर सोचा जाए तो उसमें भी यंगस्टर प्लेयर बहुत सारे दिखाई देते हैं। नवी मुंबई में एक स्पिनर बॉलर जो हाल ही में बहुत नामचित लिस्ट में शामिल हुआ, हर्षल मढ़वी, सारसूलेगा का जो प्लेयर है, वो आपके साथ वरद इलेवन वन में खेल चुका है, तो उसके बारे में, उसकी भी बॉलिंग शायद से रत्नागिरी में चली नहीं थी, रत्नागिरी की जो मैच हुई थी। सर देखो क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी आपका दिन बुरा होता है, तो आप प्लेयर का इतने गंदा किया, तूने ये क्या वो किया। हर्षल बहुत अच्छा बॉलर है, उसके पास वेरिएशन बहुत अच्छे अच्छे है, वो सच्ची बोलो वो भी बहुत नाम कमाने वाला प्लेयर है। बस उनको इन सबको यही करना है कि अपना जो बेसिक प्रैक्टिस क्रिकेट है उसको थोड़ा एडवांस, हाँ प्रैक्टिस करके उनको थोड़ा एडवांस करके बिना डरे ऊपर खेलो। तुम मार खाओगे तो वो तो नॉर्मल सब लोग खाते हैं, बट जो मार खा के तुम सीखोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आप उनको नेक्स्ट गेम में कैसे ये करके आप उसको उसके अगेंस्ट, अभी समझो कोई बैट्समैन ने आपको ये बॉल पे मार दिया तो नेक्स्ट टाइम पे आप याद करो कि हाँ ये बंदे ने ये बॉल पे मुझे मारा तो मैं वो बॉल नहीं डालूंगा उसे, तो वैसे इम्प्रोवाइज बराबर। करके एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में काफी काफी सारी टीमें जो है वो अभी अच्छी तरीके का खेल सभी को दिखा रहे, तो सुनो जानना चाहूंगा सबसे अच्छी टीम जो अभी फिलहाल परफॉर्मेंस पे किसकी चल रही है नवी मुंबई में? अभी फिलहाल देखा जाएगा तो धारावाहिक की टीम बहुत अच्छे मतलब फॉर्म में चल रही है। कुमार इलेवन हो गया, फिर अपना गंगा का टीम हो गया, मतलब ऐसे तीन चार टीम है जो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस चाल रहा है उनमें भी। बहुत सारे टीम का जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है वो सभी टूर्नामेंट में फिलहाल दिखाई दे रहा है। हमारे दर्शक जो है प्रीतेश करके, वो बार बार एक बात पूछ रहे हैं, डिंग डॉन्ग प्लेयर्स के साथ आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? डिंगडोंग्स प्लेयर के साथ तो मतलब रबर का मैच था तुरबा के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भी मेरे को इतना लेट उतारा था कि चांस मिला नहीं, बट वो मैच भी हम लोग हार गए थे। योगेश पेनकर थे, विजय पावले थे, विजय पावले, योगेश पेनकर, मतलब विजय पावले भी एकदम डाउन टू अर्थ प्लेयर है, मतलब वो आपको उतना ही मदद कोई बात नहीं, करेगा और मतलब सब कुछ आपको बताएगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ डेफिनेटली भी। डेफिनेटली। वहां से चलते सोनू, अगर देखा जाए कारगर में लास्ट 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले कारगर
नाइट टूर्नामेंट हुई थी, फाइनल उस टाइम पे आपने जीती थी, और उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने वो मैच देखी तो नहीं थी लेकिन मैंने बहुत सुना है उस मैच के बारे में, उस्मान पटेल ने उस टूर्नामेंट में अपना शतक जड़ा था पहले मैच में, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, और फाइनल में उसी मैच उसी टूर्नामेंट में तुमने उनको हराया था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? फाइनल तो नहीं था सर, वो सेमीफाइनल का मैच था, और सेम ऐसे हुआ था कि अमित वाडकर और मैंने पूरा स्टार्ट टू एंड बैटिंग किया था, मैच लगा था सेमीफाइनल में उस्मान भाई के साथ। तो सीन क्या हो गया कि मैं आउट हो गया, अमित वाडकर आउट हो गया, हमने 5 ओवर में 35 ही किया, तो 2 विन था, उनको 35 के आसपास कुछ 5 ओवर में 2 विन था। तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि बराबर अभी उस्मान भाई जो फॉर्म में है 35 रन, तो मुझे लगता है 1 या 2 ओवर मैक्स में 2 ओवर में तो खत्म ही कर देंगे। बट वो टाइम पे हमारी टीम के बॉलर किरण शेलाटकर ने उनको पहले ओवर में ही 0 पे आउट कर दिया। तो वहाँ पे वो आउट हुए तो उनके भाई थे अली पटेल, वो भी बहुत अच्छे बैटिंग करते थे, तो उन्होंने एक साइड से स्टार्ट रखा था गेम को, और एक साइड से हमारे बॉलर ने ऐसा किया कि उनके विकेट लेते रहे, तो वो में हमने उनको 35 रन करने नहीं दिए थे सेमीफाइनल में केसीएन ट्रॉफी में। ओके उसके बाद अगर देखा जाए तो सोनू, आज तक के सफर में काफी बहुत लंबा सफर है तुम्हारा, इसमें सबसे रेयर प्राइज अगर कुछ मिला रहेगा तो क्या है, मतलब सबसे यूनिक क्रिकेट में ट्रॉफीज कैश ये सब तो मिलते रहते, लेकिन ऐसा कुछ यूनिक अवार्ड या फिर प्राइज क्या मिला आपको पर्सनल? मेरे को पर्सनल देखा जाएगा तो रतन बुआ का ही एक है कि वहाँ पे जिधर मेरे को सिल्वर कॉइन मिला, मतलब जैसे सबको सिल्वर कॉइन मिलते हैं जो भी वहाँ पे मैन ऑफ द मैच का होता है, तो वो एक है कि जहाँ पे मुझे वो सिल्वर कॉइन मिला था, तो वो एक है कि मतलब कुछ हटके अलग से मिला था कुछ। टेनिस क्रिकेट की तरफ से और कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा लग रहा है कि इस टेनिस क्रिकेट में से मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? सर देखो एक्सपेक्टेशन तो आपको करने से तो नहीं होगा, आप अगर मेहनत करोगे तो ऑब्वियस आपको उसका रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। तो आपको अपना मेहनत से आपको आप अगर बिना मेहनत के आप बोले कि मेरे को क्रिकेट से ऐसा मिल जाएगा, वैसा आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो जितना आप बराबर मेहनत करोगे आपको उतना अपना आप मिल जाएगा, टेनिस क्रिकेट हो या कौन से भी क्रिकेट से। आज तक नवी मुंबई में अगर देखा जाए तो कई सारे प्लेयर जो है वो अच्छी स्टेज अपनी बना चुके हैं, भूषण पाटिल सुरभे गांव के, दारावे गांव के, विकी भोई, ये आखाती कंट्री में यानी कि गल्फ कंट्री में जाकर खेल के आ चुके, अभी भी वो खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि इस परफॉर्मेंस के चलते उमर 11 में खेलते हुए, वरद 11 में खेलते हुए, अगर सोनू का भी नाम उस लिस्ट में जोड़ा जाए तो आपको कैसा फील होगा? मुझे तो बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि एक ड्रीम ही समझ लो कि मेरा भी ड्रीम है कि मेरे को दुबई में जाके शारजा स्टेडियम में टेंपल खेलने के लिए मिले। तो मेरा एक ड्रीम है कि अगर मेरे को वो चांस किसी के अगर मेरे परफॉर्मेंस में करने से अगर किसी कोई भी टीम मुझे बुला के वहाँ पे खिलाता है, तो मैं ऑब्वियस हूँ मैं बहुत लक्की फील करूँगा आपको कि मेरे को इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है। बराबर सुनो, कई सारे क्रिकेटर्स हमने देखे हैं अपने टूर्नामेंट को जाते समय खुद के साथ अपनी बैट लेके जाते हैं, फेवरेट ऐसी बैट हर एक की होती है, उसमें सब अगर देखा जाए तो कई सारे प्लेयर्स हैं जो होते हैं वो तीन तीन चार चार बैट अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए लेके जाते हैं या फिर टूर्नामेंट में लेके जाते हैं, तो आपके बारे में ऐसा कुछ? मेरा बैट का मेरा बहुत मतलब एकदम ऑपोजिट है, मेरा अगर कुछ कोई बैट है जो जिससे मेरा रन चालू रहे वो हार्डली 2 या 3 महीने में टूट जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जो बैट मेरे साथ चल रहा अच्छा फ्लो में तो मैं वो बैट से खेलता हूँ तो वो 2 या 3 महीना मैक्स तो नहीं, और मैं मोस्टली मेरे सारे बैट खुद के कभी नहीं है, मैं टू बी फ्रैंक बोल रहा हूँ मैंने पूरे बैट अमित वाडकर से ही लिए हैं अभी तक, मेरे जो भी बैट जितना भी अभी तक मैं क्रिकेट खेला है। बहुत सारा सफर रहा है सुनो आपके पूरे इस क्रिकेट का, पूरा अगर सोचा जाए तो पूरे एरिया में जैसे कि ठाणे, रायगढ़, नवी मुंबई, मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, इन सभी विभागों में आप खेलने के लिए जाते हो, लेकिन सबसे अच्छा सूटेबल जो ग्राउंड हो या फिर पूरा क्लाइमेट हो या तो फिर कहीं पर पब्लिक अपनी होती है वो ऐसा कहीं